अभी अभी आपने देखी फिल्म नमस्ते इंग्लैंड, कैसी लगी आपको? तो फिल्म पहला हाफ थोड़ा ठीक था, बट सेकेंड हाफ तक आते आते बिल्कुल लॉजिक ढूंढना बेकार हो जाता है फिल्म में, एंड ओवरऑल फिल्म ने डिसअपॉइंट किया। ट्रेलर से भी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट आप फिल्म देखेंगे तो एक अनइंटेंशनल ह्यूमर आ जाता है फिल्म, मतलब हंसाना नहीं चाहती तब भी आप हंसेंगे उस सीन्स पर भी। ओके, सो परफॉर्मेंस वाइज कैसी है फिल्म? देखिए परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करूँ तो अर्जुन और परिणीति की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, उन दोनों ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है एंड दोनों ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। पर जो फिल्म की कहानी है, जो फिल्म के डायलॉग्स है, फिल्म का मज़ा बिल्कुल किरकिरा कर देती है, तो मतलब इन शॉर्ट फिल्म ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया। तो विपुल शाह की डायरेक्शन इतनी कुछ खास? देखिए अब नमस्ते लंदन उन्होंने डायरेक्ट की थी तो उससे कंपेयर की जाएगी तो फिल्म बिल्कुल यहाँ रहती है, एंड डायरेक्शन में काफ़ी खामियाँ थी। फिल्म को काफ़ी अच्छा बनाया जा सकता था, खासतौर पर डायलॉग्स अगर फिल्म के अच्छे होते, जिस तरीके से फिल्म में लॉजिक ढूंढना बिल्कुल बेकार साबित होगा अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो। ओके, तो अगर माना जाए कि ये रोमांटिक फिल्म है तो ऐसा कोई एक मैसेज देती है फिल्म? रोमांटिक फिल्म तो है ही, लेकिन जैसे विपुल शाह की फिल्म में एक मैसेज होता है, तो ये फिल्म में कोई मैसेज मिला? देखिए मैसेज वैसेज की तो मैं क्या बात करूँ, आप कुछ भी ढूंढना चाहिए इस फिल्म में वो व्यर्थ ही होगा। प्लीज़ बस जाइए, अगर अनइंटेंशनली हंसना चाहते हैं तो जाइए, वरना एक और फिल्म है आपके पास, बताइए उसे जाकर देखिए। ओके, तो आउट ऑफ 5 कितने स्टार देना चाहिए? सोचना पड़ेगा, बट अभी के लिए आई विल गिव 1.5। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैम अभी अभी आपने देखी फिल्म नमस्ते इंग्लैंड, कैसी लगी आपको? इट वॉज अ वन टाइम वॉच, अ नाइस मूवी। बट जो फिल्म परफॉर्मेंस जो थे अर्जुन और परिणीति के, कैसे लगे? बहुत, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, दोनों की एक स्वीट लव स्टोरी थी, एक बार देख सकते हैं बस ऐसा है। Okay, कोई विपुल शाह की फिल्म है तो विपुल शाह की फिल्म में मोस्टली कोई एक मैसेज मिलता है, इस फिल्म में कोई एक मैसेज था ज़रूर कि मतलब रियलिटी थी दिखाई, जैसे कि लोग इलीगली बाहर जाते हैं वो ज़रूर दिखाया गया था, साथ साथ एक लव स्टोरी के मतलब अर्जुन कपूर को बहुत ज़्यादा सिंसियर बताया और परिणीति को कम्प्लीटली ऑपोजिट, सेम लाइक नमस्ते लंदन। ऐसा एक कोई एलिमेंट जो आपको काफ़ी अच्छा लगा फिल्म का? अर्जुन कपूर का जो परिणीति के लिए लव था, जो सिंसियरिटी थी, दैट। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देना चाहिए? आई गेस 3.5। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैम अभी अभी आपने देखी फिल्म नमस्ते इंग्लैंड, कैसी लगी आपको? अच्छी फिल्म थी। अगर हम बात करें इनकी जो पहली फिल्म थी जिसमें नमस्ते लंदन, जिसमें अक्षय और कटरीना थे, तो कहानी उसकी उतनी दमदार नहीं थी जितनी ये कहानी अच्छी है, लेकिन अगर एंटरटेनमेंट और वो सब की बात करें, मनोरंजन की बात करें, तो वो बाजी मार लेती है इसमें। ओके, तो परफॉर्मेंस कैसे लगे दोनों का? दोनों की केमिस्ट्री तो हम पहले ही शकजादे में देख चुके हैं, बढ़िया थी और बहुत अच्छा भी परफॉर्म किया उन लोगों ने। हाँ, तो लेकिन फिल्म की बात जहाँ तक करें तो अच्छी थी, डायरेक्शन वाइज भी ठीक ठाक थी, कुछ चीज़ें बहुत रिपीट हुई हैं। ओके, फिल्म में जैसे बार बार प्यार को रिपीट करना, वो थोड़ा सा कुछ और दिखाना था कि हम जब विदेश जाते हैं तो क्या होता है। ओके, तो विपुल शाह की फिल्मों में हमेशा कोई एक मैसेज मिलता है, क्या इस फिल्म में भी ऐसा कोई मैसेज मिला? हाँ, बहुत बढ़िया मैसेज कि हमारी देश की खुशबू, देश की मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी है, और हर इंडियन को याद रखना चाहिए कि जहाँ भी जाए देश को ना भूलें। ओके, तो आउट ऑफ 5 कितने स्टार देना चाहेंगे मैम आप? 3 से सर। और फिल्म के गाने कैसे हैं? गाने अच्छे हैं, गाने भी अच्छे हैं, पिक्चराइजेशन भी अच्छा है। तो इस वीकेंड को दो फिल्में रिलीज हो रही हैं, बधाई और नमस्ते इंग्लैंड। बधाई हो गई, स्क्रिप्ट बहुत दमदार थी, स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छा ध्यान दिया गया, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा अच्छी फिल्म। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो सर अभी अभी आपने देखी फिल्म नमस्ते इंग्लैंड, कैसी लगी आपको? देखिए नमस्ते इंग्लैंड मैं कहूँगा ये पूरे साल की सबसे डिसअपॉइंटिंग फिल्म है। ओके, मैं बोलूँगा सबसे फ्लॉप फिल्म है ये। कुछ नहीं ये फिल्म है, स्क्रीन प्ले इतना डल, इतने सारे लेम सीन्स, कैरेक्टर इतने वीक है कि आप लग रहे नहीं है वो पंजाब के, उनका एक्सेंट नहीं है, कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, स्टोरी नहीं है, डल स्क्रीन प्ले है, लेम सीन पे लोग हंस रहे हैं, लाइक ये फिल्म एकदम स्क्रैप है, लोगों को पसंद ही नहीं आएगी। हाँ,
मतलब गाली देते हुए लोग बाहर निकलेंगे ये फिल्म से, मैं तो इतना परफॉर्मेंस वाइज परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, एकदम कुछ भी नहीं है मैं कहूँगा इसमें, ना परफॉर्मेंस ना डायलॉग्स ना स्टोरी, सिर्फ लोकेशंस है और लोकेशंस है बस। और विपुल शाह की पहले भी एक फिल्म आई थी सेम जॉनर पे, नमस्ते लंदन, उस नमस्ते लंदन वाज वेरी क्लासी फिल्म, वेरी कल्ट फिल्म, सबको पसंद आई, अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस, कटरीना का परफॉर्मेंस, ऋषि कपूर भी थे उसमें, वो यादगार फिल्म है, लेकिन ये फिल्म आप बाहर निकलते ही भूल जाओगे, ऐसी टाइप की फिल्म है। बिल्कुल मैं 5 में से आधा स्टार दूंगा इसको, आधा स्टार। तो अभी अभी आपने देखी फिल्म नमस्ते इंग्लैंड, कैसी लगी आपको? नमस्ते इंग्लैंड बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था इस फिल्म से, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पर एक पहली फिल्म आ चुकी थी जिसका नाम था नमस्ते लंदन, लेकिन उसके मुकाबले इट्स अ वेरी डल मूवी, मतलब उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं छोड़ रही है फिल्म, ना आपको बांध कर रख रही है, कहीं कहीं जगह पे एक्टिंग ऐसी लगी कि मतलब ज़बरदस्ती की चीज़ें हो रही है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब रिलेट आप नहीं करेंगे कभी कभी कैरेक्टर से। इसमें फिल्म में ये बताने की कोशिश की गई है कि मतलब कैसे पंजाब के लोग ज़्यादातर जो होते हैं वो लंदन इंग्लैंड की तरफ आकर्षित होते हैं, अपने करियर को लेकर या फिर अपनी प्रॉस्पेरिटी को लेकर वो लंदन जाना चाहते हैं, लेकिन बेसिकली ऐसा भी आजकल होता है, लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली। ओके मतलब जैसे कि मतलब फिल्म के अंदर आप देखेंगे लंदन का टूरिज्म दिखाया गया है बेसिकली, मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में सब कुछ है, हर चीज़ है, ठीक है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, और लंदन इंग्लैंड आप जो जा रहे हैं और वो भी इल्लीगल तरीके से, नहीं जाना चाहिए। फिल्म की परफॉर्मेंस कैसी है? इसी बीच में दिखाने की कोशिश की गई है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो अर्जुन कपूर की एक्टिंग अच्छी है, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव है, परिणीति का भी एक्टिंग अच्छा है, लेकिन परिणीति से थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब उतना कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे, लेकिन अर्जुन का मुझे अच्छा लगा कैरेक्टर। ओके सो गाने कैसे हैं फिल्म के? गाने ठीक ठाक हैं, जो फर्स्ट सॉन्ग है वो अच्छा है, फर्स्ट सॉन्ग के इर्द गिर्द है ना, मतलब पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कहानी समझ में आएगी, लव स्टोरी पूरी डेवलप हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे मतलब सिचुएशनल बेस्ड सॉन्ग्स आते हैं, ठीक ठाक ही है। एक मुझे उसका सॉन्ग अच्छा लगा, क्या कहते हैं, बादशाह का गाना मुझे अच्छा लगा। सो आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स? आउट ऑफ 5 आई विल गिव 2 स्टार्स। थैंक यू। तो सर अभी अभी आपने देखी फिल्म नमस्ते इंग्लैंड, कैसी लगी आपको? नमस्ते इंग्लैंड वेरी बिलो एक्सपेक्टेशन एक्चुअली, जिस तरह से हमने सोचा था कि विपुल शाह की फिल्म है, अर्जुन कपूर है, परिणीति चोपड़ा है, फिल्म अच्छी होनी चाहिए, पर जिस तरह से हमने उसको एक्सपेक्ट किया था उस तरह की फिल्म बिल्कुल नहीं है, बिलो एक्सपेक्टेशन है एक्चुअली। ओके परफॉर्मेंस वाइज कैसी है अर्जुन और परिणीति का परफॉर्मेंस कैसा है, रोल कैसा है? अर्जुन कपूर एंड परिणीति चोपड़ा दे आर वेरी गुड एक्टर्स, दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, पर इस फिल्म में वो भी चीज़ हमको मिसिंग लग रही थी कि जिस तरह से उनकी केमिस्ट्री होनी चाहिए थी जो है वो I found missing actually, because the script was little weak actually, script was weak, हालांकि उनका जो मैसेज था वो एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे एक्चुअली, ज़्यादातर ऐसा है कि हमारे यहाँ पर स्पेशली इन इंडिया स्पेशली इन पंजाब एक तरह लॉट्स ऑफ यूथ हु रियली वॉन्ट टू गो आउट ऑफ इंडिया स्पेशली इन UK USA कनाडा, और उसके लिए दे फील कि उनको कुछ भी करेंगे वहाँ जाने के लिए वीज़ा मिलने के लिए दे आर गोइंग टू डू एनीथिंग, वो कोशिश है कि हमारा जो देश है इंडिया दैट इज़ द बेस्ट, पर वो जिस तरह से उसको ट्रीटमेंट देना चाहे थे इस फिल्म को उस तरह से एक्चुअली नहीं है। ओके सो गाने कैसे हैं फिल्म के? गाने ओके हैं, गाने ठीक ठाक है फिल्मों में, और कई बार गाने के थ्रू से ही वो फिल्म थोड़ी बहुत आगे बढ़ती है, लेकिन ओवरऑल बिलो एक्सपेक्टेशन है। आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स? 2 स्टार्स आई गिव। ओके थैंक यू सो मच।